स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें निकिल हाइड्रोक्साइड के 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में मोलर सॉल्युबिलिटी पता करनी है। क्वेश्चन में निकिल हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2×10⁻¹⁵ गिवन है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन में Na प्लस आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर होगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर होगा। सिंस निकिल हाइड्रोक्साइड एक स्पेरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसके लिए एक सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करेगा जिसे हम इस इक्वेशन की हेल्प से दिखा सकते हैं। यदि हम निकिल हाइड्रोक्साइड की 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी S मानते हैं तो इक्विलिब्रियम पर निकिल आयन का कंसंट्रेशन S होगा और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन होगा 2S प्लस 0.1, जहां पर 0.1 मोलर कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलेगा। तो यदि इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यह इक्वल हो जाएगा S इंटू 2S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। सिंस निकिल हाइड्रोक्साइड एक स्पेरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट है तो 2S की वैल्यू 0.1 से बहुत ही छोटी होगी, तो हम 0.1 प्लस 2S को 0.1 के इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह KSP का एक्सप्रेशन हो जाएगा S इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर निकिल हाइड्रोक्साइड के KSP की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो हमें निकिल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मिल जाती है 2×10⁻¹⁹ मोलर।